सुनने को मिला कि जो जो चयनित किया गया है युवा मोर्चा में उस पर दबाव बनाया जा रहा है और डराया जा रहा है कि नहीं सबके प्रति एफआईआर किया जाएगा, ये सब आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। और बहुत जगह ऐसा जो आज हम लोग का सभा होना था सभा नहीं हुआ, और लोगों को मतलब मायूसी मतलब है कि अब उन सबों को क्या कहना चाहते हैं, जो आज का होना था जो किसी कारण नहीं हो पाया। तो हम लोग इसके कार्यकर्ता से ही जानते हैं कि भाई सभा में किसी तरह का कारण था या कोई साजिश के तहत उसको रोका गया है। मोदी जी आप हमारे चैनल में आपको जो हाँ कि अभी जैसे हम लोग ग्राउंड लेवल पे जब जाते हैं देखते हैं लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का मानना और ऐसा करना है कि हमारा भारत जो है मतलब प्रजातंत्र को प्राथमिकता दिया जाता है, और वहाँ पे देखते हैं कि लोगों को जब ईमानदारी से कोशिश करना चाहता है तो उसको नेता के द्वारा हो या अधिकारी के द्वारा हो दबाव बनाया जाता है। तो आदमी अगर ईमानदारी से अगर इस तरह से करता है, अगर उनको उल्टा अगर उसके माध्यम से अगर दबाव बनाया जाए तो आम आदमी के पास में क्या रास्ता बच जाता है। पहले भी बहुत सारी पार्टियां थी, अभी जैसे जेएमएम है, आजू है, और राज्य लेवल में है दो पार्टी, प्लस में केंद्र लेवल में भी आपका कांग्रेस है, बीजेपी है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो रुझान आज के डेट में जयराम महतो के प्रति जितना ज्यादा है उतना अन्य दल के प्रति नहीं दिखता। ऐसा क्या कारण है आप लोग मार्केट में ऐसा क्या किए लोगों के दिल में जो आप लोग के प्रति सबका झुकाव है? जोहार झारखंड, झारखंड न्यूज 24 में आप सभी को स्वागत है। आइए हम आप लोग को मिलाते हैं टाइगर के सेना से, जो देर रात इतना मेहनत कर रहे हैं सभा के लिए और कैसे कैसे तैयारी हो रही है। और आज हम लोग जानेंगे कि बहुत जगह आज सभा होना था जो किसी कारण नहीं हो पाया। तो हम लोग इसके कार्यकर्ता से ही जानते हैं कि भाई सभा में किसी तरह का कारण था या कोई साजिश के तहत उसको रोका गया है। मोदी जी आप हमारे चैनल में आपको जो हाँ आज का जो सभा है वो सभा को किसी के माध्यम से रोका गया है, फिर आप लोग परमिशन नहीं लिए थे? नहीं, परमिशन के लिए हम लोग 25 तारीख को ही अप्लाई कर दिए थे, पर होता है कि आपको 24 घंटा पहले या 48 घंटा प्लस उतना देना होता है परमिशन के लिए। हम लोगों ने दिया था पर किसी कारणवश इसको होल्ड कर दिया गया। लोग देख रहे देखिए साफ साफ शब्दों में लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, संजय माधुरानी हमारे संजय हैं जे बी केसेस के मतलब समझिए बहुत ही सक्रिय सदस्य आईटी सेल के भी हैं, ये काम कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से हम लोगों ने अप्लाई करवाया था, सारा चीज डिटेल्स है संजय माधुर gmail.com झारखंड ग्रेडी डूबी सब एप्लीकेशन पूरा फुल फिल एप्लीकेशन परमिशन टू हॉल्ड मीटिंग एंड लाउड स्पीकर नावाडी ब्लॉक से अप्लाई किए थे, कब अप्लाई किए थे ये भी है, ठीक है, पेंडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेंडिंग में हम लोगों ने जब जांचा, जब देखा कि पेंडिंग में हम लोगों ने पूछा, तो जब थाना प्रभारी से बात की तो थाना प्रभारी ने कहा कि हमारा काम रहता है सुविधा देना है ना, वहाँ पर ये करना मतलब किसी तरह का मतलब किसी तरह का असामाजिक तत्व ना हो वो काम करना, तो उसने अपना लेटर फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन पर बाद में पता चलता है कि जो नावाडी के सीईओ हैं, सीईओ ऑफिस से जो थाना जो प्लॉट होता है, प्लॉट संख्या होता है कि मतलब आप सरकारी जगह पर नहीं करा सकते कार्यक्रम, तो उसका प्लॉट संख्या और जो मालिकाना मालिक का नाम होता है उसको देना होता है। तो हम लोगों ने दिया भी था उसमें भी, तो किसी त्रुटि के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे खाने का कारण बताया गया कि प्लॉट संख्या गलत बताया गया था, पर हम लोगों ने जांचा तो फिर वो सही ही था। पता नहीं, नहीं वो नहीं दिया है रिजेक्ट, कुछ दूसरा दिया प्लॉट संख्या भी कुछ कारण था और एक दूसरा कारण है उसमें कारण लिखा था, दूसरा कारण आपको दिखाते हैं। एक है ये है कि आप 3 दिन ये कारण चले ठीक है, और जैसे हम लोग ग्राउंड में जब घूम रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं किसी अन्य दल जो संगठन या फिर पार्टी है उसके माध्यम से दबाव बनाया गया अधिकारी को कि इस सब जो प्रोग्राम जो होने वाला है प्रोग्राम को मतलब रुकवाइए, ऐसा तो कोई साजिश तो नहीं रचा जा रहा है जेबी केसेस के प्रति? देखिए ये हो भी सकता है, हम कन्फर्म नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब सारे चीज़ को जब तक हम लोग ये नहीं रहेगा सुबह नहीं रहता तब तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है अक्सर चुनाव में दबाव जो रहते हैं छोटे दल रहते हैं छोटे जो चुनाव निर्दलीय लड़ने वाले होते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा दबाव बनाया जाता है क्षेत्रीय पार्टियों संघीय पार्टियों के द्वारा, तो जिसका पावर होता है। ऐसे कहा जाता है कि आचार संहिता लगने के बाद सारे लोगों का पावर सीज हो जाता है, लेकिन ये केवल एक क्या बोलते हैं इसमें कागजों में निपट कर लग गया है, कागजों में सिमट कर लग गया है। ऐसे दबाव बनाना चाहे कोई भी पार्टी को बना ही सकता है, बनाता भी है, पर हम लोगों ने पूरी तरह से कोशिश किया है। और आज हमारा अभी बात ही हो रहा है, अभी SDO से बेलगम SDO से बात हो रहा है, पूरी SDO से बात हो रही है, तो कहा गया है कि आप लोग सुबह तक आप लोग की परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी, आप लोग निश्चित रहिए। अभी उसी के लेकर लगाए हैं, अभी
सारा जितना भी हमको सभा कराना था उसका रूट चार्ट, उसका सभा नंबर, सभा जितनी पंचायतों में होना है सारे सारे डिटेल्स हम लोग दे दिए, फॉरवर्ड कर चुके हैं। सारे जमीन का कागजात फॉरवर्ड कर चुके हैं, मालिक का हस्ताक्षर भी फॉरवर्ड कर चुके हैं, लगभग सारी चीज़ों प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी CEO सर क्या बोलते हैं CEO सर STO सर वो सारे बोकारो में कोई मीटिंग है निर्वाचन को लेकर ही, तो वहीं पर मीटिंग में गए हैं, तो बोले कि अभी आज तो नहीं लौट पाएंगे, सुबह लौट के हम आप लोग का परमिशन को ग्रांटेड करते हैं, तो सुबह तक उम्मीद है कि ये चीज़ें मिल जाएंगी। और एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी जैसे हम लोग ग्राउंड लेवल में जब जाते हैं, देखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोगों का मानना है और इसे करना है कि हमारा भारत जो है मतलब प्रजातंत्र को प्राथमिकता दिया जाता है, और वहाँ पे देखते हैं कि लोगों को जब ईमानदारी से कोशिश करना चाहता है तो उसको नेता के द्वारा हो या अधिकारी के द्वारा तो दबाव बनाया जाता है, तो आदमी अगर ईमानदारी से अगर इस तरह से करता है, अगर उनको उल्टा अगर उसके माध्यम से अगर दबाव बनाया जाए तो आम आदमी के पास में क्या रास्ता बच जाता है। देखिए बात सही है कि आज भारत आज़ाद हो गया 75 साल हुए, कहीं ना कहीं आज भी लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, तो लोकतंत्र को गला घोटा जा रहा है, एक तरह से राजतंत्र ही चल रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी सुधार हो शासन प्रशासन के द्वारा, जो चीज़ें हैं सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से वो राजतंत्र कायम हो जाएगा, राजतंत्र तो जान नहीं करते कि कैसा होता है। अभी इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियां थी, अभी जैसे जेएमएम है, आजू है, और राज्य लेवल में है दो पार्टी, प्लस में केंद्र लेवल में भी आपका कांग्रेस है, बीजेपी है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो रुझान आज के डेट में जयराम महतो के प्रति जितना ज्यादा है उतना अन्य दल के प्रति नहीं दिखता, ऐसा क्या कारण है? आप लोग मार्केट में ऐसा क्या किए लोगों के दिल में जो आप लोग के प्रति सबका झुकाव है? हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। देखिए ये जनता जो थी, भारत का आज़ाद हुए 75 साल और झारखंड का लोग 24 साल के झारखंड में, यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी थी, शोषित हो चुकी थी, पीड़ित हो चुकी थी, हर जगह शोषण था, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह जुल्म हो रहा था, तो हम लोगों ने वो आवाज़ को कोई आवाज़ नहीं बन पा रहा, हम आम जनता आम लोगों की एक आवाज़ बन गए हैं, उनकी बातों को उनकी पीड़ा को केवल पटल पर रख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और वो दर्द उनको महसूस हुआ कि नहीं ये पीड़ा तो हमारी, जो हम बात रखते हैं, जो हम सभाओं में बोलते हैं या फिर पदाधिकारियों के पास रखते हैं, वो हम जनता की आवाज़ को रखते हैं, जनता की बात को रखते हैं, उस बात को रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये दर्द ये पीड़ा जो है ये बातें हमारी हैं, तो उसे महसूस होती है, उसे अपनापन महसूस होती है। इसलिए क्या होता है कि जब भी हम लोग जाते हैं उनके पास में या उनके पंचायत में या उनके क्षेत्र में या उनके एरिया में जब जाते हैं, तो लोग हमें सुनने के लिए एकदम टूट पड़ते हैं, यही कारण है और ऐसा कुछ। और एक चीज़ हम आपको, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हम आपके नावाड़ी क्षेत्र से हम आ रहे हैं, उसे सुनते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे मतलब ऐसा लड़का सब तो सुनने को मिला कि जो चयनित किया गया है युवा मोर्चा में उससे दबाव बनाया जा रहा है और डराया जा रहा है कि नहीं सबके प्रति FIR किया जाएगा, ये सब आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं, और बहुत जगह ऐसा जो आज आप लोग का सभा होना था सभा नहीं हुआ, और लोगों को मतलब मायूसी मतलब है कि आप उन सबों को क्या कहना चाहते हैं जो आपका संगठन में है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग पूरी तरह से लोकतांत्रिक जो ढांचा होता है, आचार संहिता का जो नियम होता है, कायदे कानून होता है, अगर कायदे कानून से अगर हम लोग काम नहीं करते तो हमको परमिशन मिले। आज तक हम लोगों ने जितना भी पार्टियों को देखा है सभी ने परमिशन लेते हैं सभा हुआ करने के लिए, लेकिन किसी को भी जो थाना प्रभारी होता है उसको जाके जांच नहीं करता, लेकिन हमारे जो परमिशन के लिए अप्लाई किए हैं तो सब जगहों पर जाके वो तो थाना प्रभारी लोग अप्लाई करा, ये जमीन आपकी है, ये प्लॉट संख्या आपका है, आपने परमिशन दिया है, ऐसे जांच किया, ऐसे दबाव बनाए, तो ये चीज़ें कभी कभी हम लोगों ने भी इतना चुनाव देखा है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आज ये देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऊपर से तो दबाव है ही। और दूसरी बात, अगर इस तरह से डबराया धमकाया जा रहा है हमारे लड़कों को, तो हम उनको साफ संदेश देना चाहेंगे कि हमारे लड़कों को, हमारे योद्धाओं को साफ संदेश देना चाहेंगे कि आपको किसी का कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से एकदम कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और कोई रोक भी नहीं सकता, वो डराना धमकाना एक अलग मैटर है, आप अलग अगर आपको चाहते हैं अगर कोई डराता धमकाता तो हम लोग उसके साथ स्टैंड करेंगे, उसके साथ खड़े हैं, हमारे लड़कों को कोई डरा धमका नहीं सकता, क्योंकि जितना इस संगठन से जुड़े हुए सब अपने आप में एक योद्धा है, अपना एक वॉरियर है, इसलिए उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका हमारे चैनल में, मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को जवाब।